Okay, so good afternoon everyone. So today we will practice few more questions, right? But उसके पहले मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ, कुछ एक रेशियोज के बारे में अपन चर्चा करेंगे, राइट? उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे. अगर आप देखोगे, मैंने आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में शायद बताया है, दैट इज ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट. मतलब आप इंटरेस्ट का कितना गुना आपका अर्निंग्स है, हायर द बेटर इट इज, हायर द बेटर इट इज. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, सेफ्टी वी आर प्रोवाइडिंग टू द लेंडर्स. अब इसमें क्या होता है, डिवेंचर होल्डर के भी ना अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज होती है. जैसे सपोज करिए, मैंने आज आपको पैसे दिए तो आपने मेरे को गिरवी रख दिया. अब आप एक साल बाद और किसी से पैसा ले रहे हैं, आपके पास एसेट्स वही है, तो आप उसको सेकंड मॉर्गेजर बना देते हो. मतलब पहले इसका हक रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा. राइट? तो होता क्या है, सपोज करिए आपने 3 डिबेंचर इश्यू किया. पहले फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर एट द रेट 10%, 2 lakh. सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर एट द रेट 12%, 1,50,000. जनरली व्हेन वी इश्यू डिबेंचर वी क्रिएट अ चार्ज ऑन आवर एसेट्स. सो व्हेन एसेट्स ऑन चार्ज इज ऑलरेडी क्रिएटेड, तो जब सेकंड टाइम आप बोरो करोगे तो आप क्या चीज का चार्ज दोगे? मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने गिरवी रख दी, वापस से आपको लोन चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्या चीज गिरवी में दोगे? तो आप ये बोलोगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें जो हमारा प्रीवियस लेंडर था उसका फर्स्ट मॉर्गेज रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू इज वेरी हाई. 100 करोड़ की संपत्ति है, मैंने तुमसे खाली 20 करोड़ का लोन लिया है. So I can create more charge on it, but I assure you that you will be the second charge, not the first charge. And वो भी agree कर रहा है, बोला 100 करोड़ की संपत्ति अगर कल को liquidation भी होता है तो 60-65 करोड़ में तो बिकी जाएगा, worst to worst case में. उसमें से 20 करोड़ अगर first mortgage वाले को मिल भी गया तो second वाले के लिए 45 बचेगा. Problem कहाँ है? राइट? एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर. अगर आप देखोगे टोटल इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 20,000, 18,000, 30,000, सही है ना? हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? कितना आ रहा है? 68.
सपोज करो ईबीआईटी हमारा है 1.5 लाख, सो व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज? कितना आएगा? ईमान से बताना, क्या फर्स्ट वाले को फर्क पड़ता है सेकंड और थर्ड को तुम कितना इंटरेस्ट दे रहे हो? लॉजिकली फर्स्ट मॉर्गेज वाले को आप क्या इंटरेस्ट दे रहे हो, सेकंड और थर्ड को उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट वाले को सेकंड और थर्ड से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अपन ने जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला, ये ओवरऑल निकाला है। ये सबका सेम कवर नहीं हो सकता। जिसको पैसा पहले मिलेगा उसका कवर ज्यादा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कवर अपन रैंकिंग वाइज करेंगे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, कितना आ रहा है? देखा, इसको खाली अपने वाले से मतलब है। इसके प्रायर और किसी को नहीं चुकाना है। डेढ़ लाख सेकेंड मॉर्गेज को देने के पहले अपने को फर्स्ट मॉर्गेज वाला को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस इसका वाला 18,000, तो ये आएगा 1.5 लाख बाय 38। हाँ, पक्का? ठीक है, अनसिक्योर्ड वाले का यही आएगा जो मैंने ओवरऑल वाला निकाला था, क्योंकि इसमें सारा इंटरेस्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा अपन को, ऑल प्रायर रैंकिंग डेप्ट इंटरेस्ट।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर और कोई लोन देता है तो उसका कवरेज 2.21 के नीचे ही आएगा। सोच समझ के लोन देगा, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड करेगा। जितना बेटर कवरेज दोगे उनका आस्क उतना कम होगा। देना रिवीजन नोटबुक देना, नहीं है मन देने का। चलिए अप्रैल 2011 वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, देखो दोस्त काफी सारा पास्ट ईयर क्वेश्चन मैं क्लास में करा दे रहा हूं, बहुत सारा आप लोग घर पे कर लेना। हैरिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज लाइकली टू बी अ मेजर कमर्शियल सक्सेस। हैरिस मस्ट रेज 8 मिलियन इन ऑर्डर टू पुट दिस प्रोडक्ट इन टू प्रोडक्शन। 8 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया है 2011 का। प्रॉपर्टी 22, करंट एसेट 3, 25, शेयर कैपिटल 8, रिटर्न अर्निंग 5, 13, नॉन करंट लाइबिलिटी 11, करंट लाइबिलिटी 25, 25, बैलेंस शीट मैच हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 10 लाख लैंड है, ठीक है, 10 लाख लैंड बिल्डिंग है और 12 लाख का इक्विपमेंट है। और हैरिस अपना नॉन करेंट एसेट को कॉस्ट प्राइस पे दिखाता है, जाहिर सी बात है, पेज 74 बेटा, बुकलेट 4, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, अप्रैल 2011। इसका मतलब ये लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो किया है यहाँ पे। राइट, वाओ, हैरिस अपना लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू करना चाहता है। बाप रे बाप, बोलता है 10 लाख का बिल्डिंग 17 लाख हो जाएगा।
7 लाख से रिवैल्यूएशन करना है अपन को। एक बात बताना, तो रिवैल्यूएशन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपोनेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वेरी गुड, दिमाग चल रहा है, मतलब सबका आंखें बंद सी हो गई हैं बट दिमाग चल रहा है सबका। नॉन करेंट लाइबिलिटी में बैंक लोन है दैट हैज अ कोवेनेंट इन प्लेस। कोवेनेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस, मैंने बताया था याद है जब मैं सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस कर रहा था। ये कोवेनेंट क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन डालता है सामने वाले को ओवर बोरो करने से। मैंने थोड़ा सा बोरो किया, धंधा नहीं चल रहा है, और बोरो कर लिया, धंधा नहीं चल रहा, और बोरो कर लिया, धंधा। सीमा तो होगा बोरोइंग करने का, बोरो किए जा रहा हो, 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 कोई अंत ही नहीं है। ऐसे नहीं चलता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, 50% ज्यादा आपका बोरोइंग नहीं होना चाहिए। कंपनी का 50% ज्यादा है गेयरिंग नहीं होना चाहिए। गेयरिंग मतलब डिबेंचर, डेप बाई इक्विटी। राइट आगे पढ़ते क्या बोला है। एक्सप्लेन व्हाई अ बैंक माइट बी इंटरेस्टेड इन अ बोरोवर्स गेयरिंग रेशियो। लोन नहीं देगा, कॉमन सेंस का बात है। 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, गियरिंग रेशियो का मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, याद करो। एक बताया था डेट बाय इक्विटी, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, और डेट बाय ठीक है। तो अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देना, जो थर्ड पैराग्राफ है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में बैंक लोन है दैट हैज अ कोवेनेंट इन प्लेस दैट फॉरबिड्स हैरिस फ्रॉम टेकिंग आउट फर्दर बोरोइंग दैट वुड इंक्रीज कंपनीज गियरिंग। और कंपनी गियरिंग में फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला मेंशन कर दिया, देख लो, डेब बाई टोटल। सो 50% इज बाई सेकेंड फॉर्मूला, नॉट बाई फर्स्ट फॉर्मूला। राइट, इज इट ओके एवरीवन? आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दिस। सो व्हाट इज माय, पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या बोला है, गियरिंग रेशियो निकालो ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। पहला सिनेरियो बोल रहा है कि अपन ने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सीधा गियरिंग रेशियो निकालो। चलो, तो ये अपन आ रहा है टू का ए, मैं टू का ए करा रहा हूं, बाद में थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा। डेप 11 है,
और ये 11 + 13 तो 11 बाई 24 × 100 कितना रहा भाई? 45.83। इसका मतलब क्या हो गया? अभी मेरा 50 के नीचे है, लेकिन अब हम और बोरो करेंगे तो क्या होगा? 50 को क्रॉस कर जाएगा, बवाल वहीं चालू हो जाएगा। बवाल चालू हो गया तो बोलेगा धंधा बंद करो, शट डाउन एंड रिपे माय मनी राइट अवे, दे माइट फोर्स यू टू डू लिक्विडेशन। ठीक है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है? अपन ने बोरो किया है, डेप बढ़ जाएगा ना? कितना प्रतिशत हुआ? हाँ, 59.37 नहीं होगा भैया, गड़बड़ हो गया है। लेने नहीं देगा ये लोग, लेने नहीं देगा। इसी का नाम है अकाउंटिंग, कैसे नहीं लेने देगा हम भी देखेंगे। हम इक्विटी बढ़ा देंगे, हम इक्विटी बढ़ा देंगे। सर इक्विटी आप कैसे बढ़ा देंगे? 7 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू कर दे रहे हैं, बुक एंट्री तो मारना है। हमारे पास ये जो चीज था ये 100 रुपया का था, ये 250 का है, ये 250 का है, हो गया। सोचना ही तो था, सोच लिए। मन में 100 रुपया का खरीद के लाया? नहीं, बहुत बढ़िया है, तो 250 का है, सोच लिया। रिवैल्यूएशन चीज ही वैसा है। पार्ट 3 में बोलता है लोन तो ठीक है, अब आप रिवैल्यू भी करिए। रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल का पार्ट है अदर रिजर्व, तब जाके इक्विटी आता। बोल भाई, हम 48 पॉइंट
हो गया क्या? हाँ, अब तुम ये पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो 4 नंबर का था उसमें क्या पूछा था कि बैंक वाला गियरिंग रेशियो क्यों देखेगा? पहला बात है कि गियरिंग रेशियो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब आपने लोन ज्यादा लिया है, लोन ज्यादा लिया मतलब ज्यादा लोगों को रिपे करना है, तो रिस्क ज्यादा है ना, मतलब चांसेस ऑफ पेमेंट इज वेरी लेस। 100 का कैपिटल में अगर 20 डेप्ट हुआ और 100 का कैपिटल में 60 डेप्ट हुआ, बोलो 100 में 20 रहेगा तो सभी को पैसा मिल जाएगा, 100 में 60 रहा तो। अच्छा, ज्यादा डेप्ट मतलब ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट, कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो बैंक हमेशा गियरिंग को कम से कम रखना चाहता है। काफी सारा फैक्टर्स होता है जब बैंक लोन देती है, इनकम, सिक्योरिटी, सब चीज देखती है बैंक। आपका डेट पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बैंक आपको लोन नहीं देगी। समझ गया सब कोई? तो टाइम टू टाइम बैंक चेक करेगा, गड़बड़ निकला तो बैंक बोलेगा भैया आप मेरा पैसा चुकाओ, कंपनी बंद करो। अगर लेंडर कोई भी रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है उसको नजरअंदाज नहीं करना है। हाँ, तो दिखाया ना मैंने अभी कि जो चीज मुमकिन नहीं था उसको ही मैंने मुमकिन कर दिया, 59 से 49 आ गया है, ये रिलायबल नहीं हुआ। तुम्हारा बात एकदम बिल्कुल सही है, मैंने वैल्यूएशन करवाया है, उस वैल्यूएशन रिपोर्ट दे रहा हूं, और क्या बोलूं, बोलो ये कुछ भी नहीं है, अभी अंडर वैल्यूड है। आज आप पुख्ता सबूत देंगे ना, आज आप 10 मिलियन का चीज को आप 17 मिलियन दिखा रहे हैं, मेरा मन किया मैं अपना एसेट रिवैल्यू, बैंक से ऐसे बात करेंगे क्या? बैंक को क्या बोलोगे? अभी हमने एक प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में क्या है, बैंक से लोन हो रहा है, तो बैंक क्या देखेगी, प्रॉपर्टी का पेपर क्लियर है कि नहीं, ड्यू डिलीजेंस देखो, बैंक कितना टाइप का ड्यू डिलीजेंस करती है। हाँ, ठीक है, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, बैंक देखेगी तुम लोन ले रहे हो, तुम्हारा इनकम पेइंग कैपेसिटी, तो तुम्हारा किस्ती तुम्हारा मंथली इनकम का 50% होना चाहिए, कि तुम्हारे और भी तो खर्चे हैं, घर कैसे चलाते हो, खाना पीना कहाँ से करते हो, तो 100% इनकम खाली एनबीएफसी कंसीडर करती है ईएमआई ऑप्शन के लिए। तो पहले मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी का टाइटल, उसके बाद मैं बोला तुम्हारा अर्निंग्स है ना, सिक्योरिटी भी देखेगी। टेक्निकल वैल्यूएशन होता है, सपोज करो मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने महक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि महक तुम हमको अपना घर भेज दो 1 करोड़ में, महक रेडी हो गई, ठीक है, महक ने साइन कर दिया, मैंने एग्रीमेंट बैंक में जमा दे दिया, बैंक ने मेरे को लोन दे दिया,
मेरे बैंक में 1 करोड़ आ गया, मतलब महक के बैंक अकाउंट में 1 करोड़, डायरेक्ट बैंक उसको देगी पैसा, मेरे को नहीं देगी। क्योंकि अगर मान लो मैंने पैसे ले लिया, मैंने सेलर को नहीं दिया, तो बैंक डायरेक्टली उसके अकाउंट में जमा करेगी या उसके नाम का चेक देगी। महक को पैसा मिल गया, अगले दिन हम लोग आधा आधा कर लिए पैसा का, स्कैम। एक महीना बाद बैंक किस्त लेने आया, चेक बाउंस, फिर मेरे घर आया, मैं हूं ही नहीं घर में। 3 4 महीने ऐसा चला, कोर्ट में केस कर दिया, कर दे, आधार कार्ड फॉल्स, पैन कार्ड फॉल्स, छोड़ दे वो सब, प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ नहीं है। पहला बात तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता भी है तो उसका 15 लाख का वैल्यू है। 15 लाख का प्रॉपर्टी का बेसिस पे 1 करोड़ का लोन दे दिया। बैंक इतना ये नहीं है, एक एक चीज चेक होगा, राइट फ्रॉम इंटरेस्ट टू सिक्योरिटी टिल प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आज मैं 10 को 17 मिलियन कर रहा हूं, एवे नहीं कर रहा। किसी ने बोला तो कर दो कि कर दे कर दे कर दे, कोई देख नहीं रहा है, गियरिंग रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, गियरिंग रेशियो लो आ जाएगा, कर दे कर दे कर दे, कोई नहीं देख रहा। ऐसे नहीं होता है बेटा काम, रियल लाइफ में थिंग्स डजेंट वर्क लाइक दिस। ठीक है, हाँ? तो ये जो आप लोग बोल रहे हो ना कि रिवैल्यूएशन का कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ये सब कोई बात नहीं होती। मानने को बहुत कुछ माना जा सकता है, नहीं मानने को कुछ भी नहीं मानेंगे हम। हर चीज की वैल्यू निकाली जाएगी। तो डायरेक्टर को क्या फायदा है रिवैल्यू करने में? डायरेक्टर का सबसे बड़ा फायदा, कंपनी बंद नहीं होगा, कोवेनेंट ब्रीच नहीं होगा ना। पहले बोला डायरेक्टर का फायदा बताओ, फिर शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव, दोनों का पर्सपेक्टिव पूछा, देखो पढ़ लो क्वेश्चन में। राइट, तो डायरेक्टर को क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला वो कोवेनेंट ब्रीच नहीं होगा उसका, दूसरा लेंडर को भी वो खुश रख पाएगा, क्योंकि लेंडर को ऐसा चीज गिरवी रखा जिसका हाई मार्केट वैल्यू है। और अगर तुम्हारा कंपनी का वैल्यूएशन हाई है तो तुमको कोई खरीदने का औकात भी नहीं रखता है। छोटा छोटा कंपनी जिसका 2 3 करोड़ वैल्यूएशन है, वो आए दिन बिकती रहती है, खरीद लेता है कोई, पूरा औकात है क्या रिलायंस को कोई खरीद लेगा, टाटा को खरीद लेगा, अडानी को खरीद लेगा, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है। राइट, अब ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत अप डाउन चल रहा है, तो जैसे मेरे भाई ने बोला कि कल को प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर गया, तो गिर गया तो कोवेनेंट ब्रीच हो जाएगा, उसमें मैं क्या करूं? हालात बदलते हैं, और हालात को हर समय बदलना चाहिए। वो हालात ही क्या जो स्टैग्नेंट रहे ना बदले, बदलते रहना चाहिए उसको। कोवेनेंट ब्रीच हो सकता है, तो हर चीज का प्रोस है तो कॉन्स भी है। राइट, अब दूसरा क्वेश्चन में पूछा है शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव बताइए।
याद है आपने फाइनल अकाउंट कराया था मैंने आपको, वहां पे एक क्वेश्चन में पहले रिवैल्यूएशन हो गया था, उसके बाद अपन डिप्रिसिएशन दे रहे थे। हाँ, तो अगर आपने एसेट का वैल्यू को बढ़ाया तो आने वाले साल में ज्यादा डिप्रिसिएशन होगा कि कम होगा? तो आने वाले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना अननेसेसरीली। आमदनी कुछ नहीं हो रही है एक्स्ट्रा। एसेट में अगर एक्सपेंशन किया होता, चीज को समझो, एसेट में अगर एक्सपेंशन एक्सपेंशन जोड़ता, एसेट प्लस एसेट प्लस सेवन मिलियन रिवैल्यूएशन, एसेट प्लस 7 मिलियन एक्सपेंशन, दोनों में फर्क क्या है? बहुत तरक्की करेगा अपना जिंदगी में तुम। और रिवैल्यूएशन में एसेट वही है, उसकी किताबों में खाली दाम बढ़ाई जा रहा हूं मैं। किताबों में दाम बढ़ाने से क्या होगा? डेप्रिसिएशन अगला साल ज्यादा आएगा, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ने वाला बट डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। सो रिवैल्यूएशन करने से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है शेयर होल्डर के लिए? प्रॉफिट कम रिपोर्ट होगा फ्यूचर में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे बहुत है। अक्टूबर 11 वाला तो कर ही लिया हम लोग। हम लोग अभी करेंगे सितंबर 2013 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रेंट मेक्स साइंस एंड बैनर्स फॉर यूज इन डेकोरेटिंग वेन्यूज फॉर वेडिंग। मैं 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोग इसका सारा। आपको लिक्विडिटी बोला है ना, देखो क्वेश्चन में बोला लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में आप क्या क्या निकालेंगे? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो निकालो, क्विक रेशियो निकालो, सारा टर्नओवर रेशियो निकालो, क्योंकि मैंने बताया ना टर्नओवर से लिक्विडिटी में फर्क पड़ता है। ठीक है, फटाफट करो, उसके बाद अपन एनालिसिस करेंगे और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे करना है। घर में ना पहले रिवीजन नोटबुक नहीं पढ़ना है, घर में पहले आंसर लिखना है, उसको फिर कंपेयर करना है रिवीजन नोटबुक से। अभी मैंने डायरेक्टर पर्सपेक्टिव कितना बताया आपको, कोवेनेंट ब्रीच नहीं होगा, लेंडर को अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी, शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव भी बताया, तो आंसर लिखेंगे एंड देन यू विल कंपेयर विथ रिवीजन नोटबुक। अभी ये वाला करना है सितंबर 13 ट्रेंड।
हो गया सॉल्व? क्या क्या निकाला? कितना महीने का बोला निकालने के लिए? सितंबर 13 का दो क्वेश्चन था आपने नीचे वाला किया ना, ट्रेंट मेक साइंस एंड बैनर्स फॉर यूज इन डेकोरेटिंग वेन्यूज फॉर वेडिंग रिसेप्शन एंड पार्टीज. Until recently, most of 10 sales were to private individuals who paid for their purchase in cash or by credit card. During June 2013, Trent started to sell its product to a major event planning company who now buy their signage and banners from Trent and who insist on trading on credit terms. Udhari dene bol raha bhai saab. Udhar mein risk hai bhai. Trend directors are delighted at the massive expansion in sales. Don't get delighted. Cash wala dhanda karo. Usme agar tumko order milne lage, tab delighted ho. Credit mein to bhaiya abhi hum yahan bheed ikhatta karte 500 bachchon ka. Jitne hamare paas registered student the na, usse kai zyada first class mein as demo lene aaye the. हमने मना कर दिया. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स. सेल्स, क्रेडिट सेल्स टू इवेंट कंपनी अलग दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड सेल्स अलग दिया हुआ है, कैश सेल्स अलग दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉमन है. इन्वेंट्री दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम इवेंट कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक बैलेंस. बाप रे बाप, पॉजिटिव बैंक बैलेंस है, नेगेटिव में चला गया है, ओडी आ गया. देखो जुलाई अगस्त में, ठीक है. सो अपन को एक बार, मैं एक बार इंट्रोडक्शन फिर से पढ़ लेता हूं. प्राइवेट इंडिविजुअल कैश और क्रेडिट कार्ड में बेचता था. जून से वो इवेंट प्लानिंग वाले को भी बेचने लग गया. चलिए अपने को करना है जून, जुलाई, ठीक है. बोल भाई, जून का करंट एसेट कितना है? हाँ 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 टू टू बाई करंट लाइबिलिटी. कितना है? 1.51. चल ठीक है. नेक्स्ट, एक तो दिखा देना, बाकी दिखाने का दरकार नहीं, सीधा निकाल के बैठा दो. कितना? 1.809, तो 81 लेना. नेक्स्ट 2.26, ठीक है. क्विक रेशियो में करंट एसेट से इन्वेंट्री हटेगा बाय करंट लायबिलिटी. सो 937 233 माइनस इन्वेंट्री कितना दोस्त? इन्वेंट्री इन्वेंट्री 358800 कितना आ रहा है? हाँ, ह्यूज लिक्विडिटी प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है. उसके बाद 1 point. Next.
बढ़ू आगे। हाँ इन्वेंट्री है 358800 इंटू हट्टी करूंगा क्योंकि मंथली है ना, जून मंथ का निकाल रहा हूं ना खाली, पूरा साल लेते तो 365। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है बताओ? हाँ? जून महीने का 30 दिन। आप क्या करते हो, स्टॉक बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे लेते हो ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है बताओ ना। अगर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरे साल का होता तो डिवाइड बाई 365 करता मैं, बट ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने दिन का है, 30 दिन का है, तो इंटू 30 हो रहा है ना, वही बेसिकली अपन का फॉर्मूला है, इन्वेंट्री बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। तो ये इन्वेंट्री हो गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जून मंथ का है, तो खाली 30 लिया मैंने, यही अगर पूरे साल का होता तो इंटू 365 करता, कितना आएगा ये? हाँ 26। वेरी स्लो मूविंग, पूरा महीना लग जा रहा है माल बिकने में, राइट 26 डेज आ रहा है ना। इधर वाला बताइए, ये कितना इसमें 31 लेना, इसमें 31 आएगा। ट्वेंटी फाइव पॉइंट कितना बोला? 25.26। इसका कितना आ रहा है? 26 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगस्त वाले का 25 पॉइंट जो भी है, तो मोटा मोटी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। देखो गर्मी करूं क्या और ठंडा करूं, नहीं यहां तक आ ही नहीं रहे हैं। लास्ट वाले में 26 आएगा, देख लो भाई, ये तो 26 बोल रहा है लड़का, और ये पढ़ने में भी ठीक है। अगस्त में 30 कहां से लेगा भाई?
36 ही तो लेना है, मतलब 31 ही तो लेना है। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड। अच्छा आप चाहे तो आप अलग अलग डेटर का भी निकाल सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का आप अलग निकाल सकते हो, इवेंट कंपनी का अलग, क्योंकि दोनों का ट्रेड रिसीवेबल देखो अलग अलग दिया हुआ है, दोनों का सेल्स भी तुमको अलग अलग मालूम है, तो तुम चाहो तो तुम दो ट्रेड रिसीवेबल निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं पहले इवेंट कंपनी का करूं, सो इवेंट कंपनी का बताओ डेटर कितना है, इवेंट कंपनी का डेटर कितना है, हाँ? टू लाख इंटू 30 बाई क्रेडिट सेल्स कितना है इवेंट कंपनी का, 4 लाख, सो ये आएगा 15 डेज। ठीक है, उसके बाद हमको सीधा आंसर बताओ, हम्म, 27.9 डेज। ठीक है, उसके बाद हाँ हाँ 32.53 डेज क्रेडिट कार्ड का अलग आएगा। क्रेडिट कार्ड का अलग आएगा, फोर्टी फाइव डेज। फोर्टी एट पॉइंट ट्रेड पेबल का निकालना है, ट्रेड पेबल इंटू 30 बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि परचेज नहीं मालूम अपन को।
कितना 45। उसके बाद ठीक से देखो, ठीक है। अभी तुम लोग कितना जन है? 1 2 3 4 5 6 7। एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है। सब तुम लोग कमेंट करेगा और अपन उसको नोट करेंगे। ये मेरा काम नहीं है, मैं आज बता दूंगा, आप रिवीजन नोटबुक से आज आप देख लेंगे। मुद्दा है एग्जाम में क्या करना है अपन को, एकदम क्लियर कट ओपन डिस्कशन हो रहा है। क्या आप एग्जाम में पेपर लिखने के लिए रेडी हैं? हमारा कंसर्न वो है। माय कंसर्न इज दैट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यस सर, आप हमें करंट रेशियो के बारे में कुछ टिप्पणियां दीजिए। पहला पहला एनालाइज ट्रेंड्स लिक्विडिटी ओवर द पीरियड कवर्ड बाय द एक्सट्रैक्ट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया इसमें यही निकल सकता है, इसके अलावा कोई निकल सकता है क्या? नहीं ना, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल सकता। तो पहले एनालिसिस करके बताइए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और उसके बाद मैनेजमेंट को सजेशन दीजिए करना क्या है। पहले भी एनालाइज करना है। तो करंट रेशियो आप देख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है, इंप्रूव हो रहा है। द स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज व्हाट? 2:1। मतलब योर करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी, यस और नो? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये देख रहे हैं कि आपका करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, क्विक रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है। कैन यू सी? हाँ? तो ये अच्छा है कि खराब है? बोलो, लिखिए आंसर में, लिखो। ओवर द मंथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो हैज इंप्रूव्ड। विच इज अ हेल्दी साइन।
ठीक है, एक और एनालिसिस करके बताओ। मैंने देखते ही क्वेश्चन देखते ही आपको एक चीज पे गौर करवाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। एनालिसिस क्या बोलता है, बैंक जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में चला गया। कल को मान लो अगर बैंक वाला लोग खई कर दे, पैसा दे आज, ओडी क्लियर कर, तो कहां से लाएगा बोलो। सो ये प्रॉब्लम लिखो, बैंक बैलेंस हैज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ओवर द मंथ, विच इज अ साइन ऑफ वरी। एज बैंक माइट कॉल टू रिपे ओडी, कंपनी कैन गो इन टू सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्या लिखना है, इन्वेंट्री टर्नओवर मोटा मोटी सेम है, लेकिन आप इन्वेंट्री का फिगर पे गौर करिए। आने वाला 2-3 महीना में सीधा डबल हो गया होल्डिंग है ना सर, सेल्स भी तो बढ़ा है, टर्नओवर पीरियड सेम है, मतलब मोटा मोटी 25-26 दिन लगता है माल बिकने में। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक दो कारण से बढ़ता है, अगर ये हमारा बढ़ गया 26, अगर 40 हो गया, 26 अगर 45 हो गया, मतलब हमारा टर्नओवर पीरियड बढ़ गया, टर्नओवर पीरियड बढ़ गया मतलब हमारा इन्वेंटरी स्लो स्लो सेल हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। दूसरा, जब अपन वॉल्यूम बढ़ाते 100 से 200 पीस बढ़ाएंगे तो भी हमारा इन्वेंटरी ज्यादा, इन्वेंटरी दो कारण से ज्यादा लगता है, एक वॉल्यूम, ज्यादा माल बनाओगे तो ज्यादा इन्वेंटरी लगेगा ना भैया, ज्यादा स्टोरेज करना पड़ेगा, एक वॉल्यूम हो गया और एक पीरियड हो गया। तो अभी आप जो इफेक्ट देख रहे हैं इन्वेंटरी में, 3.5 लाख से 5.80 हो गया, 5.80 से 7.80 हो गया, ये वॉल्यूम इफेक्ट है, बट टर्नओवर पीरियड इज ओके। तो इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड में कोई बातचीत नहीं करना अपन को, दैट इज कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड, लिख लो। ठीक है, सही है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड के बारे में बोलो। हम्म,
तो ये बिग साइन ऑफ वरी है ना, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड बढ़ गया ना, 15 था जून में, ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्रेडिट कार्ड कंपनी का मोटा मोटी सेम है, प्लस माइनस 10% वेरिएशन। इवेंट वाला क्रेडिट पीरियड बढ़ गया है, इवेंट वाला तो पहले ही बोल दिया था क्रेडिट में देगा तो माल लेंगे, तो पहले हम उसको 15 दिन का क्रेडिट दिए तो मेरे से 10 लाख का माल लिया, अब बोला डबल है तो देखो वॉल्यूम भी बढ़ गया है। देखो तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि विथ इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिट आपका सेल बढ़ रहा है, बट क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो देयर, दैट एनालिसिस यू हैव टू डू। वो एनालिसिस नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। डन, परफेक्ट। क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल मोटा मोटी सेम है, करेंट एसेट में जो मेजर चेंज आ रहा है वो इन्वेंट्री के कारण आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, और एक ट्रेड रिसीवेबल के कारण आ रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज नाउ माय बिगेस्ट टास्क। ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो पूरा बंटाधार हो जाएगा भैया, वो सेल ही क्या जो कलेक्ट ना हो। गॉड प्रॉमिस आई विल पे यू आफ्टर 30 डेज फ्रॉम नाउ, तेरा गॉड प्रॉमिस का क्या करेगा मैं, हाँ? ते झूठा गॉड प्रॉमिस खाया उसका हिसाब गॉड तेरे साथ करेगा, मेरा क्या, हमारा पैसा तो अटक गया ना। गॉड प्रॉमिस नहीं चलेगा। ट्रेड पेबल के बारे में जो बोलेगा उसका तरक्की निश्चित है। कम हो रहा है ना, ज्यादा देर तक क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सो अगेन इट माइट कॉज लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, मे बी आई एम अनेबल टू मेंटेन रिलेशनशिप, हमें डिले हो रहा है पेमेंट करने में। तो यहां तो हमारा सामने वाला पीरियड कम करते जा रहा है और हम इधर बढ़ाते जा रहे हैं, दोनों ही दोनों तरफ से मरेंगे, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स तो आएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो हमने एनालिसिस किया, हमारा रेशियो का बताया कि रेशियो में क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अब अपन को क्या करना है, इसमें एनालिसिस करके बताना है कि अपना उपाय क्या है, मैनेजमेंट को इस प्रॉब्लम से कैसे निकाले। सबसे पहला बात अपने को, मैंने क्या बोला, जितना भी रेशियोस अपने निकाला उसमें मेजर कंसर्न कौन सा है, ये सबसे ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है भैया। ये अगर पैसा टाइमली आएगा ना तो तुम टाइमली चुका भी सकते हो, और यही नहीं क्रेडिट कार्ड वाला भी, ये उधारी कोई छोटी मोटी उधारी नहीं है 45 दिन की।
उधारी पे वर्क करना है अपन को। इफ आई कैन वर्क इन उधारी आई विल बी एबल टू मैनेज। सर एक काम करो ना, इनको चेस करो, इनको बार बार पैसा के लिए बोलो, चिढ़ जाएगा, चला नहीं जाएगा, चिढ़ जाएगा। चला जाने में और चिढ़ जाने में फर्क होता है, गुस्सा हो जाएगा, आगे धंधा नहीं करेगा। सब मेरे जैसे नहीं होते हैं, सर पे कफन बांध के निकलने वाले। बहुत डर था मुझे जब मैंने नो क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस किया था, बहुत। और ये मैंने सीखा था मेरे मामा जी से, उनकी उड़ीसा में शॉप थी, कपड़े का काम था उनका। गर्मियों की छुट्टी में हम जाया करते थे और मैं पूरा महीना भर हम लोग रहते थे वहां। मैं सुबह शाम उनके शॉप में रहता था। बदले में मुझे क्या मिलता था? बढ़िया बढ़िया खाना, शाम को घूमना। मतलब मैंने 20-30% बात करने का तरीका, पॉलिसी फ्रेमिंग, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। यू शुड ऑलवेज सिट विथ सम सीनियर्स, बिजनेस इनसाइट्स आपको बहुत मिलेगा। उन्होंने आज से 15 साल पहले अपने शॉप में, उस मार्केट में कोई भी नहीं था, फिक्स प्राइस कॉन्सेप्ट लाया था। जो दाम मैंने बोल दिया उतना ही मैं लूंगा, 5 रुपए भी कम नहीं लूंगा। पुराने पुराने कस्टमर आके चिढ़ जाते थे, ऐसे थोड़ी होता है, हम पुराने हैं, आप पुराने हो तो आपसे ही पहले शुरुआत करूंगा, नो डिस्काउंट। नया वाला तो वैसे भी मान जाएगा। रूठे को मनाना है, मने हुए को क्या मनाओगे? बहुत सेल्स का नुकसान हुआ, बट उन्होंने प्रेशर में आके उन पॉलिसी को चेंज नहीं किया। आज का दिन मैं देखता हूं, सेल्स हैव ग्रोन ओवर द इयर्स। अब उनसे कोई नहीं मांगता डिस्काउंट। उधारी बंद हो गई, सो आपको क्रेडिट रिस्क को इवैल्यूएट करना है। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड फाइंड आउट वेज कि लोग जल्दी जल्दी पैसा दे। एक तो चेजिंग है, वो आप कर नहीं सकते। एक मैंने बताया था डिस्काउंट पॉलिसी ले आओ, बिल तो जनरेट हो गया ना, बिल तो जनरेट हो गया। अब आप वो करो, डिस्काउंट पॉलिसी दो उनको। सर ऐसा कुछ बताइए ना जो उनको छेड़े बिना हो जाए। मतलब ऐसा कुछ बताइए कि पैसे भी आ जावे, उनसे बात भी नहीं करना पड़े। बेच तो अपना डेटर को, बेच तो अपना ट्रेड रिसीवेबल को। सर डेटर बिकता है? यस, आप बेचते आए हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल भूल गए? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो आप बैंक के साथ करते हैं ना, दैट इज ऑन रिकोर्स बेसिस। रिकोर्स बेसिस क्या होता है? कल को सामने वाला पैसा नहीं दे तो बैंक आपके बैंक से वापस से पैसा काट लेगा। आपने किसी का बिल बैंक को दिया, बोला ला फलाना तारीख को आप फलाने आदमी से आके पैसा ले लेना। मतलब फलाना मींस यू टेक मनी फ्रॉम दिस पर्सन ऑन दिस डेट। नाउ दैट फलाना आदमी डिड नॉट गिव ऑन दैट फलाना डेट द पेमेंट टू द बैंक, तो क्या होगा?
बैंक हमसे काटेगा और फिर हम वापस से रिसीवेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हमने बैंक को हमारा बिल दे दिया था, हमने रिसीवेबल हटा दिया था, पैसे आ गए ना भैया। तो ये होता है रिकोर्स बेसिस। एक होता है नॉन रिकोर्स, हमने तुमको बिल बेचा, तुम समझो। तो जनरली जो बिल खरीदता है ना, वो वसूलू टाइप का आदमी होता है, वसूली भाई, चार पांच बॉडीगार्ड वाला आदमी होगा, पॉकेट में एकदम लेके घूमने वाला आदमी। वो हमको पैसा दे दिया, अब वो समझेगा कैसे उसे वसूलना है। तो सर कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लग रहा है, लगेगा ही। डिस्काउंटिंग में डिस्काउंटिंग चार्ज काटता था ना, सेम। आज मैंने आपको आज पैसे दे दिए, लेकिन आपको कब मिलेगा, 3 महीना बाद। तो आप 3 महीने का ब्याज काट के मेरे को पैसा दोगे। और जहां पे नॉन रिकोर्स है, वहां पे ब्याज का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि रिस्क भी इन्वॉल्व है। इसको अपन फैक्टरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपने? फैक्टरिंग। आप अपना डेटर को गिरवी रख के कोलैटरल, डेटर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए कोलैटरल, उसको प्लेजिंग बोलते हैं। डेटर कैन आउटराइटेड बी सोल्ड, दैट इज फैक्टरिंग। सामने वाला जो पैसा दे रहा है ना, वो मेरे डेटर का प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करेगा, तभी वो मंजूरी करेगा कि खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अच्छा, तुम्हारा डेटर में कौन है? पटवारी जी। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं जानता हूं उनको। खराब पेमेंट है उनका एकदम। पैसा भी तो एक बार में आ रहा है ना, तो पैसा हम लोग इमीडिएट, हम लोग किसी का पैसा रोकते नहीं है, कोई भी वेंडर का। वंस बिल इज जनरेटेड, वी मेक द पेमेंट। ये तो हमारे यहाँ पे अकाउंटेंट ऐसे हैं जो ढीला काम करते हैं, बट अदरवाइज वी वोंट डिले में पेमेंट में। उधार का काम ही नहीं है हमारा, ना हम लेते हैं ना देते हैं। तो सबका अपना अपना बिजनेस पॉलिसी है, आपको उसको फ्रेम करना है, एनालाइज करना है। तो आप डिस्काउंट पॉलिसी ला सकते हैं, आप फैक्टरिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट टर्म्स उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, काफी सारा चीज आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद और क्या है? सप्लायर के साथ में नेगोशिएट करो, भैया आप पीरियड कम क्यों करें, हम तो आपको टाइमली पैसा दे रहे हैं। जब मेरा माल उधार में बिकेगा तो हमको सामने वाले से भी उधार ही लेना पड़ेगा, नहीं तो धंधा नहीं कर पाएंगे। राइट। अभी आप देख रहे हैं कि बिजनेस का ऑपरेशन बढ़ रहा है, मेरा पॉजिटिव बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला गया। तो आप बैंक वाले, या तो आप शॉर्ट टर्म लोन ले लीजिए एक, लोन ना दो टाइप का होता है, आप लोगों को मालूम है, नॉन करंट करंट। ये क्या है? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, है ना, और ये मोर देन, मतलब इसको 5-6 साल में चुका सकते हो पैसा, लेकिन इसको विद इन 1 ईयर चुकाना पड़ेगा। तो जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको पैसे की दरकार है, और वो कंसिस्टेंट आपका रिक्वायरमेंट है, नेवर गो फॉर दिस, ऑलवेज गो फॉर दिस। ये तंग कर देगा आपको। ऐसा लोन लेने से क्या होगा, 4-5 साल की छुट्टी हो जाएगी, रिपेमेंट का प्रेशर नहीं आएगा। तो या तो आप कोई फाइनेंस अरेंजमेंट देखो अपना, या इसे ओवरड्राफ्ट का लिमिट को बढ़वाओ, बैंक के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करो।
और बैंक को एक्सप्लेन करो ना कि नेगेटिव क्यों हुआ, बोलो देखो हमारा धंधा बढ़ रहा है इसीलिए, तो आपका प्रॉब्लम को समझेगा वो। तो अल्टीमेटली क्या सजेशन है, बैंक का सपोर्ट चाहिए, नहीं तो बैंक लिक्विडिटी कर सकता है, क्रेडिटर का सपोर्ट चाहिए और डेटर से टाइमली पैसा चाहिए, समझ में आया समझ में? हाँ, सो इस तरीके से अपन को आंसर को लिखने का है। चलिए, सो हमने काफी सारा क्वेश्चन इसमें से किया है। सितंबर 17 वाला क्वेश्चन, ठीक है, यह सुनना है ना कि लास्ट सवाल है, यही सुनने बैठे हो ना, ठीक है, चलो ये सेकंड लास्ट सवाल है बेटा, परसों मैं चल जाऊंगा, फिर मैंने आना है सीधा नवंबर में। तुम लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो ना क्लास? 2 to 4 ही हो रहा है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, वो आपका कॉल है। चलिए, सो अभी हम करेंगे सितंबर 17, नहीं बेटा, ठीक है, अभी मैं 5 मिनट का तो मैं वैसे भी आपको करने दे रहा हूं, तो आप एसी बंद कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, रिमोट मैं दे दे रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा ना, मैं कर रहा हूं। आप सितंबर 17 वाला क्वेश्चन पढ़िए प्लीज।
हो गया। अरे रेवेन्यू परचेज कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे दिया, लिक्विडिटी रेशियो ठीक है, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर ठीक है। तो आपको पहले 2017 का खाली निकालने बोला है ना, सो 2017 का हम निकाल लेते हैं राइट। करंट रेशियो निकालते हैं 159/132 करो भैया। हाँ, 1.24। ओ तो साफ समझ में आ रहा है ये गिर रहा है ओवर द इयर्स। साफ समझ में आ रहा है ये गिर रहा है ओवर द इयर्स। क्विक रेशियो 159 से स्टॉक हटाऊंगा मैं, बोल भाई। पॉइंट 811, तो 81 ले लो। ये भी गिर रहा है 10% से, ट्रेंड गिर रहा है हर साल है ना, बिग रीजन टू वरी। इन्वेंट्री टर्नओवर फिफ्टी टू इंटू 365 बाई 515 ठीक है ना, कितना है भाई? हाँ 36 पॉइंट। सो धीरे धीरे ये स्लो मूविंग आइटम की तरफ बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना रहा भाई? 104 × 365 बाई 520 लेंगे ना, परचेज दिया तो परचेज लोगे। हाँ सेवेंटी, सब चीज खराब है। ट्रेंड देखने से चीज समझ में आएगा। ओ अच्छा, ये तो अच्छा बात हो गया ना, क्रेडिटर का बढ़ रहा है। हाँ, बाकी सब खराब है। ओवर द पीरियड इट इज इंक्रीजिंग। सो ट्रेंड देखने से आपको यह मालूम चलेगा, सिंगल पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है। ट्रेंड से आपको यह मालूम चलेगा ओवर द इयर्स आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म किया है राइट। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट में क्या बोला था आपको? हाँ पहला पार्ट में आपको रेशियोज निकालने बोला था, दूसरा में क्या बोला है? नाउ
हम लोग ओवर द इयर्स का प्रॉफिट कंपेयर करते हैं ना, तो इन द सेम फैशन यू शुड कंपेयर लिक्विडिटी ओवर द इयर्स, वेदर द बिजनेस इज इंचिंग टुवर्ड्स सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स और नॉट। आप देखिए आपका कितना था 2015 में करेंट रेशियो 1.4 से 1.3 देन 1.2, क्विक रेशियो भी 1.9.8। सो करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो हैज स्टार्टेड डिटोरिएटिंग इन द सेम फैशन। और इस साल तो देखो मेरा ये और मेरे को लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है और होगा, डे बाय डे आपका टर्नओवर पीरियड बढ़ रहा है इन्वेंटरी का और उसका। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, अगर आपका टाइमिंग मैच नहीं करें, टाइमिंग इन द सेंस मैं आपको बताता हूं, अगर मैं 2015 का बात करूं, 2015 में इन्वेंट्री टर्नओवर कितना था बोलो तो, 31, अच्छा ट्रेड पेबल, हाँ तो हिसाब से मेरे को 62 डेज के बाद पैसा आएगा, और पैसा देना कब है 55 डे में। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा ना भैया पहले पैसा दे, इसको चेस करना पड़ेगा, या 7 दिन का, अरे देना यार अगला हफ्ता दे देंगे, किसी को बोलना पड़ेगा ना, धंधा है कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है, हर 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 महीने ऐसा किसी को बोलेंगे क्या? हम लोग के फ्रेंड सर्कल में भी हमारे पास फोन आता है, थोड़ा सा पैसा दे अगला हफ्ता दे देंगे, जस्ट बिकॉज टू ओवरकम दिस। बट ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना दोस्त, इसको डिस्काउंट पॉलिसी मिलाओ, पहले पैसा मंगाओ, या इसका पीरियड को बढ़ाओ। 2016 का बताना, 34, 35, टोटल 69, और ये अभी भी गैप है। बोलो अब 37 आया था, सेवेंटी, ये 75 है ना, कम तो हो रहा है लेकिन ये भी तो बढ़ रहा है। रोटेशन कम हो रहा है ना, ठीक है। टेम्पोररी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक ओडी वगैरह कॉल अप कर सकते हैं, और करता ही ऑर्गेनाइजेशन लोग, देर यू कांट हेल्प इट। मैं इतना ध्यान रखना है बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो जाए। तो ट्रेंड देखने से मेरे को ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में आइडिया लगता है, तो आई एम गेटिंग इन साइड मोर एंड मोर इन टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, माई रेशियोज आर डिटोरिएटिंग, दैट्स अ बिग रीजन टू वरी।
अच्छा, प्रॉफिट मेकिंग के पास में अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपकी इस मंथ सैलरी आई और आप वेकेशन पे चले गए, पैसा पूरा खर्चा हो गया, तो क्या होगा? भाड़ा कहाँ से देंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स नहीं हो पाएगा ना। बिग रीजन लो ही रहे बट स्टेबल होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट ओवर द इयर्स। रेशियो बहुत ज्यादा हाई रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन स्टेबल लिक्विडिटी। ट्रेंड समझ में आया? ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ओवर द इयर्स आपका करेंट रेशियो, क्विक रेशियो डिटोरिएट हो रहा है, राइट? अ लो रेशियो वुड बी प्रेफर्ड बट इट शुड बी स्टेबल। दूसरा क्या था? एनालिसिस करने बोल रहा है। करेंट रेशियो फिर भी अभी 1 के ऊपर में, बट क्विक रेशियो क्रिटिकली लो चला गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर और ट्रेड रिसीवेबल दोनों बढ़ा है, मेरा पैसा फंसा दिया है लोग। लेकिन ये अच्छी बात है कि ट्रेड पेबल बढ़ा है तो उतना ज्यादा मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि वो लोग लेट से पैसा दे रहा था बोल के क्रेडिटर को अपन पैसा नहीं दे पा रहे टाइम से। दिस 73, 64 एंड 55, दिस इज नॉट दे हैव ऑफर्ड अस, दिस इज आई एम पेइंग इन दीज डेज। ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग का मांग 55 दिन का था बट मेरे को, वो लोग का मांग 30 दिन का था बट मैं उनको 55 दिन में पैसा दे रहा हूं। ये क्या है? ये उनका एक्चुअल है, इतना इतना दिन में हम लोग पेमेंट कर पा रहे हैं। तो प्रोलॉन्ग ट्रेड रिसीवेबल, प्रोलॉन्ग इन्वेंट्री मींस देयर विल बी डिले इन ट्रेड पेबल अगेन विच माइट हैम्पर माई रिलेशनशिप विथ माई सप्लायर। तुम लोग ये मत देखो कि ये मैच हो रहा है, ये भी तो डिले हो रहा है। हाँ, अगर आप अपने मन से दे समझ में आता है। दिक्कत तो होगी ना बिल देने में, कितना ओडी लेंगे आप? तो करंट रेशियो ठीक है, क्विक रेशियो क्रिटिकली लो आ गया है, सीरियस प्रॉब्लम्स विच इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड बिकॉज वी आर अनेबल टू पे आवर क्रेडिटर्स ऑन टाइम, क्योंकि हमको पैसा मिल ही नहीं रहा है ना। अगर पैसा टाइम से मिलेगा तो दे पाएंगे ना, पैसा ही 70 दिन बाद आ रहा है तो कैसे देंगे पैसा 30 दिन में? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? पेबल का ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। बताओ, उधारी लेनी अच्छी बात है, क्यों मालूम है? सपोज करो कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा, 25,000 का फीस है, 15,000 उसने दे दिया, 10,000 वो 40 दिन बाद देगा, तो मैं क्या 40 दिन बाद उससे 10,000 प्लस इंटरेस्ट ले रहा हूं? मैंने उसको वॉलेंटरीली क्रेडिट ऑफर किया है। क्रेडिटर के केस में भी ऐसा ही होता है, क्रेडिटर आपको वॉलेंटरीली एक क्रेडिट ऑफर कर रहा है, वॉलेंटरीली। उसने आपको वॉलेंटरीली एक क्रेडिट ऑफर किया जिसके लिए अलग से ब्याज नहीं लग रहा है, तो इसको जितना प्रोलॉन्ग कर सकते करो, लेकिन रिलेशनशिप हैम्पर नहीं होना चाहिए।
सो क्रेडिटर इज ऑल्सो अ चीपर सोर्स ऑफ फिनेंस, फ्री सोर्स ऑफ फिनेंस यू कैन से, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हैम्परिंग रिलेशनशिप, बिकॉज अगर उसके साथ रिलेशन हैम्पर हो गया तो फिर माल किससे लेगा, दूसरा से ले ले, बाजार में न्यूज फैलती है। हमने यहां कैश प्राइस दिया, इसकी आवाज पूरे इंडिया में पहुंच गई भाई। सब तो ये सोच रहा है 10 एग्जाम ले ले सर, 10 में हम टॉप कर जाए, मेरा पूरा वसूल हो जाएगा। सो क्रेडिटर का मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना। आप बैंक को डीलेंगे जबरदस्ती, आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, इससे अच्छा इसी इसी से इसी को टैकल करी ना ठीक से। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, वो अपना ट्रेड क्रेडिट विड्रॉ नहीं कर ले फिर तुमको माल कहां से मिलेगा। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड रिमेम्बर। कंपनी का नाम है बे, ठीक है चलो। हाँ बस ही कर रहा हूं, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क तो दे सकता हूँ दोस्त, कल फिर आना है ना हमें कि नहीं आना है? नहीं भाई, 3 से 6, 12 से 3, 3 से 6। अरे हाँ सर ने तो लिखा है ना ग्रुप में कि कॉलेज अभी 1-2 दिन नहीं देखना है, कल 12 to 3 एंड 3 to 6। मैंने को नहीं मालूम, जो लिखा है उसी में होगा, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। मतलब 3 to 6, यू वांट टू से 3 to 6 एंड 6 to 8, दैट्स कूल, नो प्रॉब्लम। ठीक है देख लेंगे टाइमिंग। चलो थैंक यू सो मच। अरे जो है सो है। चलो मैं होमवर्क नहीं दे रहा, इसी को रिवाइज करना।